बोधि वृक्ष का इतिहास। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष जो है यानी कि पीपल का एक वृक्ष है उसमें देखकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उस वृक्ष का मैं आप सभी बच्चों को इतिहास बताऊंगी। बोधि वृक्ष पीपल का वह वृक्ष जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था जो बोध गया में लगा हुआ है। पीपल का जो वृक्ष था उसी के नीचे हमारे भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने बैठकर ज्ञान की प्राप्ति की थी यानी कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था जो हमारे बोध गया में यह वृक्ष लगा हुआ है। वो वृक्ष यह अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है और यह 134 साल पुराना है। कितना साल पुराना है? 134 साल पुराना वृक्ष है और वह अपने पीढ़ी का चौथा वृक्ष है। वह वृक्ष जिसके नीचे तथागत भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल का जो वृक्ष है उसके नीचे बैठकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और जिसकी टहनियों को सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को देकर श्री लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने को भेजा था। राजा सम्राट अशोक ने जो वृक्ष था उनकी टहनियों को अपने पुत्र और पुत्रियों को दिया था जो श्रीलंका में धर्म प्रचार करने को भेजा गया था। जो वृक्ष था उसकी टहनियों को काटकर सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को दिया था कि बौद्ध वृक्ष जो था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए दिया गया था यानी कि वो श्रीलंका में भेजा गया था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। उसको सम्राट अशोक की एक रानी शिष्य रक्षित ने चोरी छुपे उस समय कटवा दिया था जब सम्राट अशोक पूर्ववर्ती प्रदेशों की यात्रा पर गया हुआ था। अशोक की एक रानी जिसका नाम था शिष्य रक्षिता ने चोरी छुपे उसे कटवा दिया था। उस समय हमारे राजा सम्राट अशोक जो थे वो यात्रा पर थे विदेश से प्रदेशों की यात्रा पर गया हुआ था। लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद उस कटे हुए बोधि वृक्ष की जड़ से एक नया वृक्ष उग आया था यानी कि उस वृक्ष को तो रानी ने कटवा दिया था चोरी छुपे लेकिन क्या हुआ था कुछ ही वर्षों में वो वृक्ष दोबारा उग आया था। यह दूसरी पीढ़ी का वृक्ष था और यह लगभग 800 साल तक मौजूद रहा। कितने साल तक? 800 साल तक वो मौजूद रहा पीपल का वृक्ष। रुकी क्यों तरीके रानी ने तो वो वृक्ष को कटवा दिया था लेकिन दोबारा वो वृक्ष कुछ ही सालों में वापस उग आया था। फिर वो वृक्ष 800 साल तक मौजूद रहा। इस दूसरे वृक्ष को बंगाल नरेश साहब सन 602 से 620 ईस्वी जो कि ब्राह्मण धर्म के सेव संप्रदाय का अनुयायी था और बुद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था जड़ सहित उखड़वाने का प्रयास किया लेकिन जब वह इसमें नाकाम रहा तो उसने उस बोधि वृक्ष को कटवाकर उसकी जड़ों में आग लगवाकर नष्ट कर दिया था। देखो फिर क्या हुआ था ये जो दूसरा वृक्ष के साथ क्या हुआ था। वृक्ष को बंगाल नरेश सांत नाम का था वो जो सन 602 से 620 ईस्वी जो कि ब्राह्मण धर्म के संप्रदाय का था वो यानी कि ब्राह्मणवादी का था जिन्होंने ये कार्य किया वो वृक्ष को कटवाने का जड़ सहित ब्राह्मण धर्म के सेव संप्रदाय का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। वो बौद्ध धर्म को नहीं मानता था उपनिषद के विरुद्ध थे तो
उन्होंने क्या किया, जड़ सहित उकड़ बांधने का प्रयास किया, लेकिन वह इससे नाकाम रहा। वो जड़ सहित वो वृक्ष को उकाड़ नहीं पाए। फिर उन्होंने क्या प्रयास किया, बोध वृक्ष को कटवाकर उसकी जड़ों में आग लगवाकर नष्ट कर दिया। क्या क्या, वो वृक्ष को कटवा दिया और जो जड़े थी ना उसमें क्या क्या आग लगवा दी, ताकि दोबारा ये वृक्ष उग ना पाए। लेकिन इसकी जड़ें पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाई, फिर भी वो वृक्ष की जो जड़ थी वो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाई थी। और कालांतर में कुछ 20 सालों बाद उन्हीं जड़ों से तीसरी पीढ़ी का भोजी वृक्ष निकला। अब देखो उसी जगह में तीसरी पीढ़ी का एक वृक्ष उग आया वापस। देखो यानी कि कुछ लोग ऐसे थे, यानी कि ब्राह्मण वादी का एक अनुयायी ऐसा था जो उस वृक्ष को कटवा दिया था और जड़ में जड़ जो थी उसमें आग लगवा दी, लेकिन कुछ ही सालों में वो वृक्ष फिर वापस उगाया। तीसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष निकला और यह लगभग 1250 सालों तक मौजूद रहा। कितने समय तक, 1250 सालों तक मौजूद रहा। फिर सन 1873 में यह वृक्ष एक प्राकृतिक आपदा का शिकार होकर नष्ट हो गया। इनकी प्राकृतिक आपदा आने पर वो वृक्ष क्या हुआ, नष्ट होकर। तब लॉर्ड कलिंग ने सन 1880 में श्रीलंका को अनुराधापुरम से बोधि वृक्ष की शाखा को मंगवाकर इसे बोध गया में पुनः स्थापित किया था। लॉर्ड कलिंग ने सन 1880 में जो श्रीलंका में भेजे गए थे वो डालिया, उन्हें वो वापस भिजवाकर हमारे बोधि वृक्ष को मंगवाकर बोध गया में पुनः स्थापित किया गया था। जो इस पीढ़ी का चौथा बोधि वृक्ष था, ये उल्लेखनीय है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संगमित्रा को पहले बोधि वृक्ष की जिन टहनियों को देखकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने भेजा था, वह आज भी श्रीलंका के अनुराधापुरम में मौजूद है। विश्व का या सबसे प्राचीन वृक्ष लगभग 2250 वर्ष पुराना है। 2250 वर्ष पुराना है। ये एक ऐसा वृक्ष है जहाँ हमारे भगवान गौतम बुद्ध ने बैठकर ज्ञान की प्राप्त हुई थी। फिर सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्रियों को टहनियों को कटवाकर श्रीलंका में भेजा गया था बोधि का प्रचार प्रसार के लिए, बोधि वृक्ष का प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन एक रानी जो थी उनसे छिपकर वो वृक्ष को कटवा दी थी ताकि प्रचार प्रसार ना हो सके। लेकिन फिर वो वृक्ष दोबारा उगवाया था, दोबारा वो वृक्ष आ गया था जड़े नीचे होने के कारण। फिर क्या हुआ था, एक ऐसा ब्राह्मण वादी का एक अनुयायी व्यक्ति था और हमारे जो बुद्ध धर्म के खिलाफ था, शत्रु था, वो विरोधी था बुद्ध धर्म के, ये प्रचार प्रसार ना हो इसलिए उन्होंने क्या करवाया था, वो जड़ों को जड़ समेत वो वृक्ष को उगड़वाना था, निकलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो क्या हुआ, नाकाम हुआ। तो उन्होंने क्या किया, वो पेड़ को कटवा दिया था, जो जड़े नीचे थी उन पर क्या किया, उन्होंने आग लगा दी। लेकिन फिर भी वो जड़ जो थी वो काफी अंदर थी। फिर कुछ सालों बाद वो जो वृक्ष था दोबारा उग आया था। फिर कुछ सालों बाद प्राकृतिक आपदा आने के कारण वो वृक्ष जो था वो नष्ट हो गया था। फिर कुछ सालों बाद यानी कि हमारे जो राजा थे वो वहां से वापस मंगवा कर और बोध गया में पुनः स्थापित किया था, जो श्रीलंका में था वो वापस वहां पे स्थापित किया था, जो कि 2250 साल पुराना वो वृक्ष जिस पर हमारे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति।